एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो के ऊपर हम लोग फिर से खेल रहे हैं मिराइबो गो गेम को। और गाइस फाइनली हम लोग जो आज करने वाले ब्लीडिंग वीडियो बेसिकली। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोग जो भी प्लेयर इस मिराइबो गेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा लो लेवल प्लेयर हो, और गाइस आप लोग चाहते हो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा नॉर्मल पोकेमॉन से आप लोग कैसे हाई लेवल पोकेमॉन को निकाल सकते हो, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हाँ गाइस, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कुछ सबसे ज़्यादा नॉर्मल प्लेयर, सबसे ज़्यादा नॉर्मल पोकेमॉन जो आपको बेसिकली गेम के ऊपर मिल जाता है मैप के अंदर, चाहे दिन पे चाहे रात को, दोनों तरफ आपको मिला के जो पोकेमॉन आपको आने वाला है, मैं जो पोकेमॉन लोगों को आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी रेयर रेयर पोकेमॉन होने वाला है। साथ में गाइस आपके लिए मैं कुछ बॉस भी दिखाऊंगा जो बॉस पोकेमॉन के साथ ब्लेडिंग करके उसके थ्रू भी आपको अच्छा अच्छा पोकेमॉन आने वाला है, और कौन सा बॉस यूज करने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और बहुत ही ज्यादा इजी टाइप का बॉस को मैं यूज करने वाला हूँ बेसिकली। तो गाइस आपके लिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, तो आज का वीडियो पूरा अंत तक देखो, आपका वीडियो काफी ज्यादा आज का वीडियो आपको मजेदार देने वाला है और काफी ज्यादा आपको पता चलेगा आपको आज का वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे मैं देखो जो मेरा टार्निमल है गाइस उसके अंदर मैंने सभी के सभी जो नॉर्मल पोकेमॉन है बेसिकली यहाँ पे सभी के सभी इनमें नॉर्मल पोकेमॉन को ही रखा है, आप लोग देख लो खुद ही देख लो। और ये सभी नॉर्मल पोकेमॉन जो गाइस मैप के ऊपर आपको इधर उधर से मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल पोकेमॉन मिल जाएगा, आप मैप के ऊपर कोई भी जगह से कैप्चर कर लो, एंड यहाँ से आपको कुछ पोकेमॉन मिल जाता है। और यहाँ से मैंने बस एक दो तीन पोकेमॉन को यूज़ करा है, और इधर का एक दो पोकेमॉन बस यूज़ किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल पोकेमॉन को मैं यूज़ कर रहा हूँ इस बार, और इसके थ्रू जो पोकेमॉन आपको आने वाला है ना बहुत ज्यादा हाई लेवल पोकेमॉन आपको दिखाने वाला हूँ, और कौन सा पोकेमॉन होगा क्या अपडेट होगा सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का वीडियो गाइस। ओके, तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना वीडियो को, आप लोग आई रिक्वेस्ट आप लोग लाइक कर लोगे मुझे पता है, तो प्लीज लाइक कर लेना। चैनल पर कोई नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो सबसे पहले गाइस मैं अभी यूज करने वाला हूँ ये वाला पोकेमॉन, और ये एक डार्क टाइप पोकेमॉन है, और बेसिकली ये नाइट के टाइम पे यूज होता है, नाइट के टाइम आता है ये वाला पोकेमॉन आपको, और इसका लेवल ज्यादा से नहीं 15-10-20 के ऊपर होता है, आप इजीली कैप्चर कर लोगे कोई भी मैप के ऊपर जाके, और ये नाइट के टाइम पर आपको ओनली दिखने मिलता है, ठीक है। तो इसके साथ हम यूज करेंगे इसका, और ये दोनों को यूज करने पे गाइस हम लोग एक इलेक्ट्रिक टाइप एंड एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन मिलने वाला है, जो आपको काफी कमाल का पोकेमॉन होगा। फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन मतलब आप समझ रहे हो बहुत ज्यादा रेयर होता है, और ये फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन आपको कैप्चर भी कर सकते हो, बट गाइस कैप्चर करने के लिए आपको कम से कम होना चाहिए लेवल 40 के ऊपर पोकेमॉन होने वाला है, मतलब वो वाला यहाँ पे आपको मिलता है वो वाला पोकेमॉन। और वो जो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है वो कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप जो पोकेमॉन है गाइस वो बेसिकली ये वाला है गाइस, और ये काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, और इसको सवारी भी कर सकते हो, इसका सैंडल बना के आप चढ़ सकते हो एंड इधर उधर जा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मिराइबो का एक मतलब थोड़ा सा भाई मेंटेनेंस का सर्वर का ये हो गया, तो रिलोड हो रहे हैं, तो चलो गाइस रिलोड होने दो इसको एंड हम लोग गेम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इधर से, लेट्स गो। गेम इधर से फिर से हमारा स्टार्ट हो चुका है, और आपको पता ही होगा जो भी मिराइबो गेम खेलता है भाई ऐसे वीडियो बनाने के टाइम पे ज्यादातर मेरा होता है भाई ऐसा ही सीन भाई, दूसरे टाइम पे पता नहीं क्या करता है ये लोग, बट मैं जब भी वीडियो बनाने आता हूँ उस टाइम पे मेरा सर्वर बंद करता है ब्रो, और फिर से रीओपन करना पड़ता है मेरे को हर टाइम ब्रो। तो मिराइबो यार, मिराइबो लोग यार कुछ करो यार इसके बारे में, ठीक है भाई ऐसा मत करना मेरे साथ यार। तो गाइस मैं आपको जो पोकेमॉन दिखाने वाला था फ्लाइंग एंड इलेक्ट्रिक टाइप जो पोकेमॉन होगा बेसिकली, वो जो पोकेमॉन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस कौन सा वाला पोकेमॉन है, और वो होने वाला है ये वाला पोकेमॉन गाइस, और इसका लेवल आपको लगभग 43, 41, 45 तक आपको देखने मिल जाएगा, और आपको ये वाला जो पोकेमॉन है गाइस ये आपको बिल्कुल ही इसी जगह से मिलेगा, और आपको लेवल भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, 35 के ऊपर होना चाहिए तभी आप इस सिटी में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयर रेयर पोकेमॉन होता है, और वहाँ पे जाओगे तो आपको मार देगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे फाइट करोगे तो आपको पोकेबॉल वेस्ट होने वाला है, मीरा बॉल वेस्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा उसको पकड़ने जाओगे तो ट्राई करना इसको आप एक के थ्रू बना लो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो ब्लीडिंग करके आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉम्बिनेशन है ब्रो इसका बनाने के लिए, इतना इजी कॉम्बिनेशन तो आई थिंक आप लोगों को आई थिंक किसी ने भी नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना ज़्यादा इजी है ब्रो। देखो इन दोनों को बस ब्रीडिंग करवाना है और आपको ये वाला पोकेमॉन मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट ब्रीडिंग का है सेम पोकेमॉन हम रखेंगे, और उसके साथ रखेंगे ये वाला पोकेमॉन,
और ये जो पोकेमोन है गाइस, ये दोनों पोकेमोन को मिला के एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन आने वाला है। बहुत ही कमाल का पोकेमोन है ये भी, और ये भी आपको मैप के ऊपर हाई लेवल एक बॉस होता है, तो काफी कमाल का बॉस पोकेमोन होता है ये हाई लेवल का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला बॉस पोकेमोन है, ड्रैगन टाइप ये वाला। तो ड्रैगन टाइप बेसिकली ये वाला बॉस आपको पोकेमोन होता है गाइस, यहाँ पे देखो 43 लेवल का बॉस पोकेमोन होता है, और बॉस पोकेमोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको पता ही होगा। तो बेसिकली मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ कौन सा वाला बॉस पोकेमोन है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला जो बॉस पोकेमोन है ये वाला। और बहुत सारा प्लेयर मुझे बोल रहे थे भाई रेयर रेयर पोकेमोन निकाल के दो, भाई मैं रेयर रेयर पोकेमोन निकाल के दिखाऊंगा, बट रेयर रेयर पोकेमोन निकालने के लिए मुझे रेयर रेयर पोकेमोन भी यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग बोल रहे हो भाई नॉर्मल पोकेमोन को यूज करके रेयर पोकेमोन निकाल दो, भाई ऐसा नहीं होता। नॉर्मल पोकेमोन से रेयर पोकेमोन आता है कुछ, और इसी पोकेमोन को ब्रीडिंग करके आपको फिर से और रेयर पोकेमोन को निकालना पड़ता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो जिसके पास नॉर्मल पोकेमोन है पहले ट्राई करो, मैं जो जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ इन लोगों को पहले निकाल दो, एंड इसके साथ हम फिर से ब्रीडिंग करवाएंगे और पोकेमोन को, और भी ज्यादा रेयर पोकेमोन निकाल के दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे अभी प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मल से हार्ड पे जाएंगे, हार्ड से और हार्ड जाएंगे, और हार्ड से और भी लेजेंडरी पे जाएंगे, मतलब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये वाला ड्रैगन है पोकेमोन मिलेगा, और काफी ज्यादा कमाल का पोकेमोन है, और ये पोकेमोन को आप नॉर्मली बिल्कुल ही ब्लीडिंग करवा सकते हो, बस आपको इसको यूज करना है और इसको यूज करना है भाई, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल पोकेमोन को यूज करना है और आपको ये वाला ड्रैगन टाइप पोकेमोन मिल जाएगा, ठीक है। बात करो तो नेक्स्ट आपको सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और इससे ज्यादा सिंपल तो भाई नहीं होता भाई। यहाँ पे देखो इन दोनों को आपको बस मिला के आपको एक ब्लीडिंग करवाना है, और एक आपको आइस एंड वाटर टाइप पोकेमोन मिलेगा जो है विजबानी, और विजबानी पोकेमोन आपको पता होगा काफी ज्यादा कमाल का पोकेमोन है, और विजबानी का काम भी अच्छा खासा है। तो मैं दिखाता हूँ विजबानी आपको बेसिकली कहाँ पे मिलता है। विजबानी एक बॉस टाइप भी होता है, साथ में गाइस विजबानी जो है गाइस वो आपको नॉर्मली मैप के ऊपर भी पकड़ सकते हो, बट हाई लेवल होता है बहुत, और उसको पकड़ने के लिए आपको पोकेबॉल भी वेस्ट करना पड़ेगा। तो विजबानी कैसे दिखाता है मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो विज बनी है गाइस, ये आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, और ये देख सकते हो वाटर 2% का है, एंड हाथ का काम 2% एंड आइस का भी 2% है, और विज बनी बिल्कुल ही नॉर्मल पोकेमोन को यूज करने पे आपको विज बनी मिल जाता है, और विज बनी बेसिकली आपको इस सिटी में मिल जाएगा यहाँ पे, और विज बनी बॉस भी आपको मिल जाता है गेम के अंदर। तो विज बनी का जो बॉस है गाइस वो आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे भी, और विज बनी का जो बॉस है आपको इजीली मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली विजबानी का ये देखो बॉस मिल जाता है 35 लेवल का विजबानी बॉस, ठीक है। तो ये रहा विजबानी का सीन गाइस, तो आप लोग विजबानी भी बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। विजबानी को बस कैप्चर कर, मतलब विजबानी को बस एक बनाने के लिए आपको बस इधर से एक इधर से आपको एक वो वाला हॉर्स टाइप पोकेमोन पकड़ना है, और इधर से आपको एक डार्क टाइप पोकेमोन पकड़ना है नाइट से, भाई इजीली आपको कैप्चर मिल जाता है, वो बहुत ही ज्यादा इजी है ब्रो, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता दे गाइस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फिर से हमारा ये वाला, और इससे ज्यादा इजी प्रोसेस और कोई भी नहीं है भाई, जो एक अरोरा बॉस मिल जाएगा, और इन दोनों तो भाई आप लोगों ने जो भी गेम प्ले करा है भाई इन दोनों तो आपको गेम के अंदर दिखने मिला ही होगा, क्योंकि भाई ये 2-3 लेवल का होता है ये दोनों पोकेमोन ही, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है ब्रो। तो इन दोनों को मिला के आपको एक पोकेमोन मिलेगा अरोरा, और अरोरा बेसिकली एक बॉस पोकेमोन होता है, ये देखो अरोरा बॉस पोकेमोन है। तो ये जो बॉस पोकेमोन है गाइस ये आपको बिल्कुल ही मिलेगा अरोरा बॉस पोकेमोन, जो काफी ज्यादा पावरफुल है, और अरोरा आपको आप लोग एक के थ्रू भी निकाल सकते हो, आपका लेवल कम है फिर भी आप अरोरा को निकाल सकते हो गाइस, ओके। तो अरोरा जो है गाइस ये आप लोग यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अरोरा कौन सा है, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ अरोरा जो है गाइस कुछ इस टाइप का है, और अरोरा ऐसा नहीं है, अरोरा का काम बेकार नहीं है, अरोरा काम भी अच्छा खासा करता है और बहुत ही ज्यादा कमाल का काम करता है। और गाइस मैं कुछ लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, जो आपको दिखने में भी मजा आएगा, और जो बस ओनली एक के थ्रू ही आता है, दूसरे प्रोसेस पे आपको नहीं मिलेगा, ओनली एक के थ्रू ही वो वाला पोकेमोन आएगा, जो मैं पोकेमोन के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अरोरा गाइस ये वाला पोकेमोन है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस इसके बारे में हम अभी बात करते हैं तो कुछ न्यू पोकेमोन और नेक्स्ट पोकेमोन के बारे में। तो नेक्स्ट पोकेमोन गाइस हम लोग लेने वाले ये वाला पोकेमोन, और ये भी नॉर्मल पोकेमोन है, जिसको भी पता है भाई मेरा वो गेम तो थोड़ा सा खेलते हो, 10-15 लेवल कर लिया, तो इन पोकेमोन के बारे में तो आपको पता चल चुका है ये कहाँ से मिलता है कहाँ पे मिलेगा। तो इन दो पोकेमोन को हमको मिला के एक अच्छा पोकेमोन मिलेगा, जिसका नाम है गोल्ड स्किन, ठीक है। गोल्ड स्किन का पोकेमोन मिलेगा, और ये काफी ज्यादा कमाल का पोकेमोन है गाइस, ठीक है। गोल्डन स्किन का एक पोकेमोन मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कमाल का स्किन है। रेड स्किन आपने देखा होगा, तो गोल्डन वाला जो स्किन है ये वाला काफी कमाल का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा वाला है, और ये बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि इसको आप एक के थ्रू ही बना सकते हो भाई। हाँ भाई सही में बता रहा हूँ, आप लोग ओनली एक के थ्रू बना सकते हो, आपको दूसरा कुछ भी
कोई भी जगह से आप पकड़ नहीं सकते हो, ओनली एक के थ्रू आप बना सकते हो और आपका जो कलेक्शन के अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, ये जो रेड स्किन आप देख पा रहे हो और ये रहा गोल्ड स्किन जो यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको लोकेशन पे भी दिखाता हूँ, ये कोई भी जगह से आपको गेम के ऊपर दिखने नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा कमाल का पोकेमॉन है। यहाँ पे आप लोग देख लो, गेम के अंदर कोई भी लोकेशन पे आपको नहीं मिलेगा, चाहे दिन पे हो चाहे रात पे हो भाई, कोई भी लोकेशन पे आपको दिखने नहीं मिलेगा ब्रो। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैं मिनीमाउस करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरा मिनीमाउस कर दिया, गेम के ऊपर कोई भी लोकेशन पे आपको गाइस ये वाला पोकेमॉन दिखने नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो गाइस, कोई भी जगह पे नहीं दिखने मिलेगा, बस आपको एक के थ्रू ही बनाना है। तो एक के थ्रू बना लो भाई, काफी कमाल का स्किन है और आप लोग आपका जो कॉम्बिनेशन है मतलब कलेक्शन है उसके अंदर रख सकते हो गाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी बात करें तो नेक्स्ट और एक पोकेमॉन के साथ, और ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा इजी मिल जाता है आपको गेम के अंदर, और ये वाला और ये इसके साथ ये वाला, और इन दोनों को मिला के एक बॉस पोकेमॉन आने वाला है, और ये बॉस पोकेमॉन भी काफ़ी कमाल का बॉस पोकेमॉन है, और ये बॉस पोकेमॉन आई थिंक काम भी अच्छा खासा करता है। तो मैं कौन सा बता देता हूँ, ये वाला बॉस पोकेमॉन बेसिकली ये यहाँ पे मिलता है आपको, ये देख लो 31 लेवल का बॉस है गाइस, और इसका जो एबिलिटी है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका काम वाम क्या है। और ये एक्चुअली ये पैर पौधा लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग करता है, हार्ड वर्किंग करता है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है भाई। तो आप लोग इसको निकाल सकते हो और आप लोग इजीली उसको यूज़ भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस ये जो पोकेमॉन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है गाइस, ये वाला पोकेमॉन, और ये देखो भाई पैर पौधा लगाने में 3% काम करता है, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का एंड काफ़ी ज़्यादा कमाल एंड क्यूट सा पोकेमॉन है। तो आप लोग इसको भी निकाल सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉम्बिनेशन यूज़ करना है गाइस। उसके बाद इजी फिर से और एक ईजी मेथड यूज़ करना है आपको, ये ब्रिगोन को यूज़ करना है, और साथ में गाइस हमारा ये वाला छोटा सा प्यारा बच्चे को यूज़ करना है, और इन दोनों को यूज़ करने पे गाइस एक आपको बहुत ज़्यादा कमाल का पोकेमॉन आपको मिलने वाला है आई थिंक। और ये जो है गाइस एक ऑटर टाइप पोकेमॉन से यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो पोकेमॉन है आई थिंक मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला पोकेमॉन है, और ये जो पोकेमॉन है गाइस आपको यहाँ से मिल जाएगा गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। इसको ना निकालोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि गाइस ये जो है ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा था ना आपको एक हॉर्स टाइप पोकेमॉन, बट आपको ऐसा ही मिलेगा ये वाला पोकेमॉन जो है गाइस, ये आपको ये वाला मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये हॉर्स आपको चाहिए तो उधर से उसको निकाल सकते हो उन दोनों को यूज करके गाइस। ठीक है, बात करें तो गाइस हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन के बारे में, तो नेक्स्ट पोकेमॉन एक बहुत ही ज्यादा रेयर पोकेमॉन आपको दिखाने वाला हूँ मैं। रेयर पोकेमॉन मतलब यहाँ पे इसको यूज करना है और इन दोनों को यूज करना है, इन दोनों को यूज करने पर आपको मिलेगा एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन सेफ्रोन, और ये सेफ्रोन जो है इसे बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन होता है, क्योंकि सेफ्रोन आपको मैप के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम मिलता है दिखने में। तो मैं आपको दिखा देता हूं सेफ्रोन कौन सा वाला पोकेमॉन और मैप पे भी कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो सेफ्रोन के बारे में बात करें तो सेफ्रोन आपको इधर उधर ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा कमाल का पोकेमॉन है गाइस सेफ्रोन। और गाइस ये जो सेफ्रोन है गाइस ये मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है, एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है बेसिकली, और ये आपको गेम के ऊपर कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको पोकेमॉन में दिखा देता हूँ। और उसका काम आई थिंक उतना भी बढ़िया काम नहीं है उसका, बट भाई पोकेमॉन दिखने में मस्त है ब्रो, पोकेमॉन दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा कमाल एंड मस्त है ब्रो। तो आप लोग इसको निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ पहले पोकेमॉन कौन सा वाला है, क्योंकि भाई पोकेमॉन तो मेरे पास पहले से ये रहा गाइस। तो ये भी पैर पौधा का काम करता है, और बेसिकली ये रहा पोकेमॉन, ये देख रहे हो कुछ इस टाइप का है छोटा सा पोकेमॉन है फ्लाइंग टाइप, और ये बेसिकली गाइस आपको इस तरह भी मिलता है दिन पे, आई थिंक दिन पे मिलता है ये गाइस, यहाँ पे आपको डे के टाइम पे यहाँ पे मिलता है और कोई भी जगह पे नहीं मिलता है, बस ओनली उस जगह पे मिलता है। आप लोग देख लो मैप पे कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा, आपको हार्ड सिटी बहुत ही खतरनाक सिटी पे जाना पड़ेगा तभी आपको वो सेफ्रोन मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी कॉम्बिनेशन को यूज़ करो और सेफ्रोन को भाई बना लो भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है ब्रो, बहुत ज़्यादा ईजी मैथड है ब्रो। ठीक है, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके साथ, और ये देखो मैंने ज़्यादातर सेम यूज़ कर रहा हूँ, और इसके वो भी वही सेम जो मैंने अभी अभी दिखाया ना वो वाला पोकेमॉन मिलेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद बात करें गाइस इसके साथ हम यूज़ करेंगे ये वाला, और इसको मिलेगा एक बहुत ही कमाल का बॉस पोकेमॉन, और ये जो कौन सा पोकेमॉन है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पोकेमॉन है ये आपको बेसिकली यहाँ पे मिलता है 39 लेवल का पोकेमॉन है, एक बॉस पोकेमॉन है गाइस, और ये आपको काम अच्छा खासा करता है, माइनिंग का काम करता है ये, और मैं हर टाइम इसको यूज़ करता हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि ये माइनिंग बहुत ही फास्ट करता है। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इसको लेके गाइस। ओके,
सबसे पहले जिस टाइम पे मैं मिराइबो गेम खेल रहा था ना, तो मेरे को इस पोकेमॉन मिला था मेरे को एक के थ्रू। तो ये पोकेमॉन बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है गाइस। ये पोकेमॉन माइनिंग करता है, 2% ओनली माइनिंग करता है, और ये गेम के ऊपर आपको अवेलेबल भी है, आपको गेम के ऊपर दिखने मिलता है, बेसिकली आई सिटी के अंदर आपको दिखने मिलेगा इस तरफ। ओके, तो आप लोग कैप्चर करना चाहते हो तो कैप्चर कर भी सकते हो गाइस, ठीक है। बट आपको पोकेबॉल और मिराबॉल के ऊपर ध्यान रख के कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मिराबॉल पोकेबॉल बहुत ज़्यादा वेस्ट करवाता है ये लोग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल पोकेमॉन को हम यूज़ करने वाले, एंड नॉर्मल पोकेमॉन मतलब इसको यूज़ करने वाले और इसको यूज़ करने वाला, ये दोनों पोकेमॉन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और अभी जो पोकेमॉन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक इलेक्ट्रिक एंड डार्क टाइप पोकेमॉन, और ये जो दोनों पोकेमॉन है मतलब ये जो दोनों को मिला के एक पोकेमॉन आने वाला है, इलेक्ट्रिक एंड डार्क टाइप पोकेमॉन। आप लोगों को ये किसी के पास है या नहीं है मेरे को पहले सबसे कमेंट करके बताओ, क्योंकि भाई ये जो पोकेमॉन है भाई मेरे को अभी तक ये जो यहाँ पे देख सकते हो ना, इतना सारा लिस्ट है, मतलब 1 से यहाँ पे 114 तक जो लिस्ट है ना, इसके अंदर भाई मेरे को सच में नहीं मिला ये वाला पोकेमॉन। भाई आप लोग नाम अच्छे से देख लो और यहाँ पे अच्छे से ढूंढ के बताओ भाई आपके पास ये वाला पोकेमॉन है या नहीं है। मैं कॉम्बिनेशन आपको दिखा देता हूँ, बस आपको सिंपल सबसे दोनों नॉर्मल पोकेमॉन यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है आपको एंड इसको, इन दोनों को मिला के एक डार्क एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन आने वाला है, और बहुत ही कमाल का पोकेमॉन आई थिंक मिलने वाला है इन दोनों के अंदर से। और ये जो पोकेमॉन है आप नाम देखो और वहाँ पे जाकर सर्च करो भाई, एक बार आपको मिल जाए तो मेरे को बताना, कमेंट करके जो भी बताएगा भाई मैं उसको ऑर्डर ओपी वाला शॉर्ट ऑर्डर मारूंगा, सही में बता रहा हूँ। कमेंट करके बता दो भाई बस ये वाला पोकेमॉन कौन सा है ब्रो। और मेरे पास तो ये वाला पोकेमॉन नहीं है, बट इसको मैंने एक बना लिया, अभी मैं इसको हैच करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा इसके थ्रू कौन सा पोकेमॉन आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करें तो और भी पोकेमॉन हम देखेंगे अभी, और इस बार जो पोकेमॉन देखने वाले आई थिंक मैं बॉस को यूज़ करने वाला हूँ इस बार, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मैं कुछ बॉस को यूज़ करूँगा, और गाइस उसके थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा कौन सा पोकेमॉन आ सकता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे पास कुछ बॉस पोकेमॉन है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला बॉस पोकेमॉन है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इस जगह पे, ओके, तो इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको कौन सा वाला पोकेमॉन मिलेगा गाइस। तो गाइस बेसिकली गाइस मैं यूज करने वाला हूँ इस वाला बॉस पोकेमॉन को, और साथ में गाइस मैं यूज करने वाला हूँ इस वाला बॉस को, और इन दोनों को यूज करने पे मिलेगा एक आइस टाइप बॉस पोकेमॉन मेरे को मिलेगा, और बहुत ही कमाल एंड बहुत ही खतरनाक लेवल का बॉस पोकेमॉन मिलेगा इस बार मेरे को आइस का, और आइस का बॉस पोकेमॉन ये वाला मिलेगा मुझे, बहुत ही ज्यादा कमाल एंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक 40 लेवल का बॉस पोकेमॉन है गाइस। ओके, और काफी ज्यादा खतरनाक और टॉप लेवल बॉस पोकेमॉन है गाइस, इसको आप जाके बना लो और ये आपको इजिली गेम के अंदर मिल जाएगा। और ये जो दोनों पोकेमॉन है ये दोनों भी बॉस पोकेमॉन है, और ये आपको गेम के ऊपर यहां से मिल जाएगा, एक 36 लेवल का पोकेमॉन है और एक 14 लेवल का पोकेमॉन है। आप इन दोनों को कैप्चर करो और जल्दी उसका ब्रीडिंग करवा के एक हाई लेवल बॉस को निकाल दो। उसके बाद बात करें तो हम सेम पोकेमॉन को यूज करेंगे इधर, ये देखो भाई एक आप बॉस को कैप्चर कर लेते हो ना, तो एक ही पोकेमॉन से आप बहुत सारा बॉस को निकाल सकते हो। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे, और यूज करके भाई एक खतरनाक लेवल का पोकेमॉन मिलेगा, जो आपको गेम के ऊपर कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा, बस ओनली ब्लीडिंग करने पे ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देख लो, ये वाला आपको डार्क एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन मिलेगा, और बेसिकली डार्क टाइप पोकेमॉन ऐसा होता है जो मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट खतरनाक होता है, तो इसलिए मैं डार्क पोकेमॉन के लिए सच में रिकमेंड करूंगा आप लोग जितना भी डार्क पोकेमॉन है सबसे पहले निकालो ये वाला डार्क पोकेमॉन है। और डार्क पोकेमॉन आप कोई भी पोकेमॉन के साथ ब्लीडिंग करवाते हो ना, तो आपको अच्छा ही पोकेमॉन देगा, ये कभी भी कोई भी किसी को भी बेकार पोकेमॉन नहीं देता। अब इसके साथ दूसरा पोकेमॉन को ब्लीडिंग करवा के देखो एक बार भाई, अच्छा पोकेमॉन ही आएगा ब्रो, ठीक है। तो ये डार्क पोकेमॉन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, तो इसको भी निकाल लो भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है ये सभी पोकेमॉन, ठीक है। उसके साथ हम फिर से सेम बॉस को यूज करेंगे, और उसके साथ एक फिर से एक नॉर्मल पोकेमॉन को यूज करेंगे, और इसके यूज करने पे भी गाइस वही मैंने बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया था ना, एक बॉस मिलेगा ये वाला बॉस। देखो भाई एक बॉस से कितना सारा पोकेमॉन का बॉस निकल जा रहा है, आप लोग खुद भी देख पा रहे हो भाई। उसके साथ मैं फिर से सेम बॉस यूज करूंगा, और उसके साथ मैं यूज करूंगा और एक न्यू पोकेमॉन को, जो मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाओ, इधर से मेरे को लेके आना पड़ेगा। और ये भी होने वाला है एक नॉर्मल पोकेमॉन, बिल्कुल ही एक नॉर्मल पोकेमॉन होने वाला है गाइस। ओके, तो भाई मैं एक बॉस के थ्रू कितना सारा नॉर्मल पोकेमॉन यूज कर रहा हूँ आप लोग खुद भी देख पा रहे हो भाई, ठीक है। मतलब आप एक बॉस को कैप्चर करो, एक दो तीन बॉस को कैप्चर करोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पोकेमॉन को निकाल सकते हो। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज गाइस आप लोग एक दो बॉस को तो जरूर पकड़ लो। और गाइस यहाँ से जो बॉस पोकेमॉन देख पा रहे हो अभी, बॉस और ये वाला पोकेमॉन को यूज करने पे यहाँ पे अभी जो पोकेमॉन मिल रहा है ये वाला, और ये वाला जो पोकेमॉन है मैं ये कौन सा है भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है गाइस, ठीक है।
और ये जो पोकेमोन है गाइस, ये आपको बेसिकली आई सिटी में मिलता है, तो आप लोग इसको निकालना चाहते हो तो बिल्कुल ही निकाल सकते हो ब्रो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये जो पोकेमोन है गाइस, ये आपको मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले ये कौन सा वाला पोकेमोन है, तभी आपको समझ में आएगा भाई ये कौन सा पोकेमोन तुम दिखा रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो पोकेमोन है गाइस, ये वाला कौन सा वाला पोकेमोन है मेरे को देखना पड़ेगा, फ्रॉस्ट, रुको मैं इधर से दिखा लेता हूँ आपको। भाई इतना सारा पोकेमोन मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ, देखता हूँ मैं, हर बार ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि नॉर्मल पोकेमोन से हाई लेवल पोकेमोन कैसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करते 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 भाई एक बार निकल जाएगा ना, तभी मैं उसका फोटो उठा लेता हूँ और उसका ब्रीडिंग करवा के फिर से आपको वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ भाई। तो मेहनत करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमको हेल्प करो और सपोर्ट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो गाइस यहाँ पे ये वाला पोकेमोन के बारे में बात कर रहा था गाइस, यही पोकेमोन मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमोन है, बेसिकली ये आपको मैप पे मिलेगा बट आपको बहुत ज़्यादा रेयर लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको आई थिंक नहीं, ये वाला आई थिंक नहीं मिलेगा क्योंकि इसको आपको ब्रीडिंग करके ही निकालना पड़ेगा। यस गाइस, आपको ब्रीडिंग करके निकालना पड़ेगा ये वाला पोकेमोन, तो ब्रीडिंग करके आप निकाल लो, ये वाला पोकेमोन बहुत ज़्यादा रेयर है और इसका एक भाई भी है जिसको आप इजीली पकड़ सकते हो मैप के अंदर से, ठीक है। बात करते हम नेक्स्ट पोकेमोन के बारे में, तो नेक्स्ट पोकेमोन हम गाइस यूज़ करने वाला है इसको, एंड उसके साथ हम लोग यूज़ करने वाला है और एक पोकेमोन इसको, ठीक है। इन दोनों पोकेमोन को हम यूज़ करेंगे और इन दोनों पोकेमोन को यूज़ करके एक वाटर एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक अर्थ टाइप पोकेमोन आने वाला है, और ये जो दोनों को मिला के एक पोकेमोन आने वाला है, वो पोकेमोन भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला पोकेमोन है, वाटर एंड अर्थ टाइप पोकेमोन, अर्थ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कौन सा वाला पोकेमोन आ रहा है गाइस, लेट्स गो, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और गाइस मैं आपसे ना कुछ पूछूंगा, तो प्लीज़ उसका जो भी रिप्लाई कर पाओगे तो मैं उसका नाम लेके थैंक्स भी बोलूंगा अगली वीडियो में। ओके, तो प्लीज़ मैं आपसे कुछ पूछूंगा जो मेरे को अभी तक उसके बारे में पता नहीं है, उन पोकेमोन को ब्रीडिंग के बारे में मेरे को नहीं पता है, तो मुझे पूछना है, आप लोग प्लीज़ बता देना मेरे को उस पोकेमोन कैसे मिलेगा, तो जिसको भी मालूम है प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। पहले मैं आपको ये पोकेमोन ढूंढ के दिखाता हूँ, ये पोकेमोन है या नहीं है वैसे में भाई, ऐसा ऐसा पोकेमोन होता है ना भाई जो मेरे को ढूंढने में भी नहीं मिलता ब्रो, मैं क्या करूं, बट भाई चलता है ब्रो, ठीक है। ओके ओके, चलो गाइस ये वाला पोकेमोन गाइस आपको मिलेगा गाइस वहां पे ब्रीडिंग करवा के, ये वाला पोकेमोन आपको मिलेगा उन दोनों को ब्रीडिंग करवा के, और ये भी काफी कमाल का पोकेमोन है, और ये भी आप गेम के ऊपर मैप के थ्रू पकड़ सकते हो, कैप्चर कर सकते हो मैप पे, आपको गाइस यहाँ पे गेम के ऊपर देखने मिल जाता है, ये आई सिटी में मिलता है, ये बेसिकली आई सिटी का इस तरफ मिलेगा, ये देखो यहाँ पे इस तरफ आपको मिल जाएगा गाइस आई सिटी का, ठीक है। तो काफी कमाल का पोकेमोन है गाइस, आप लोग निकालना चाहते हो तो इसको ब्रीडिंग करके निकाल सकते हो गाइस। नेक्स्ट पोकेमोन के बारे में बात कर दो गाइस, नेक्स्ट पोकेमोन हम फिर से गाइस सेम बॉस को यूज करने वाले और सेम बॉस के साथ यूज करने वाले इस बार, ये वाला पोकेमोन, और ये इस बार आएगा विज बनी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भाई, एक बॉस के थ्रू कितना सारा पोकेमोन निकल जा रहा है आप लोग खुद भी देख पा रहे हो भाई। ओके, तो गाइज इसके बाद हम लोग यूज करेंगे एक हमारा गोलेम पोकेमोन, और गाइज गोलेम बॉस आपको पता होगा गोलेम बॉस काफी ज्यादा रेयर होता है, और मैं अभी बेसिकली गोलेम बॉस को यूज करने वाला हूँ, और गोलेम बॉस कैसा आपको पोकेमोन देता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और गोलेम बॉस भी आप लोग गेम के ऊपर से इजिली पकड़ सकते हो, और जो गोलेम बॉस है मैं आपको दिखाता हूँ गोलेम बॉस, और गोलेम बॉस गोले ये रहा गोलेम। तो गाइस ये जो गोलेम है गाइस, ये आप लोग कोई भी जगह से कैप्चर कर सकते हो इजीली, और गोलेम बॉस आपको सीक्रेट लोकेशन पे भी मिलता है, साथ में आपको इसका बॉस भी मिल जाता है, लेवल उतना भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है गोलेम। यहाँ ये कहाँ से आपको मिलता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले गोलेम गाइस इधर से मिलेगा, 21 लेवल का गोलेम है ये बॉस पोकेमोन है, तो इसको कैप्चर करो, और इसके थ्रू आप लोग कैसे कैसे पोकेमोन निकाल सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। ओके, क्योंकि भाई आप लोग बोलोगे भाई गोलेम से क्या क्या ही आ जाएगा, तो गाइस गोलेम से आएगा मोस्ट पावरफुल पोकेमोन जो सबसे ज़्यादा तेज भागता है, सबसे ज़्यादा फास्ट भागता है, यानी पैदल पैदल में सबसे ज़्यादा तेजी से भागता है, यहाँ पे देख सकते हो आइस क्लाइन क्लाइन ना क्या नाम है पता नहीं भाई, जो भी होगा तो यही पोकेमोन गाइस आपको मिलेगा, और ये पोकेमोन बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और आपको ये भाई चाहिए ही चाहिए, और ये आप एक के थ्रू ही निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। और ये पोकेमोन बहुत ही कम लोगों को बताए भाई इस पोकेमोन को ब्रीडिंग करके कैसे निकालते,
बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है गाइस, ये जो पोकेमोन है ये कैसे निकलता है, ठीक है, कैसे मतलब कैसे आता है। तो गाइस बेसिकली मैं इस पोकेमोन के बारे में बात कर रहा था गाइस, ये वाला पोकेमोन। और ये जो पोकेमोन है ये आप लोग बेसिकली ले सकते हो निकाल के, और ये आपको आई सिटी में भी मिलता है, तो आई सिटी से आप पकड़ भी सकते हो भाई। यहाँ पे मैं आपको आई सिटी में देख सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे, बट आई सिटी में पकड़ने पर भाई बहुत ज्यादा आपको मीरा बॉल भी वेस्ट होने वाला है, ठीक है। ओके तो चलिए अभी नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट पोकेमोन के बारे में। तो नेक्स्ट और एक कॉम्बिनेशन में दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं यूज करने वाला हूँ गोलेम को, और गोलेम के साथ मैं यूज करने वाली ये वाला बॉस को, ठीक है। और ये वाला मेरे पास आई थिंक लड़की होना चाहिए था, अच्छा सॉरी फादर होना चाहिए था, तो ये वाला फादर मेरे पास नहीं है, तो नेक्स्ट देखते। ओके तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ, इससे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, रुको मैं आपको एक अच्छा चीज दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से मैं सबसे पहले आपको वो भी कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ गोलेम का क्या कॉम्बिनेशन था। पहले मैं इधर से चेंज कर लेता हूँ इस पोकेमोन को, ये वाला, अच्छा इसको ये देखो इजीली चेंज कर लिया भाई मैंने इसको, ठीक है। तो मैंने इधर आना है मेरे को, और यहाँ से मेरे को गोलेम को लेना है, ये देखो मैंने गोलेम के ले लिया और इन दोनों को ले लिया। इन दोनों को मिला के गाइस एक बहुत ही खतरनाक लेवल का यहाँ पे पोकेमोन मिल रहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ड्रैगन टाइप पोकेमोन है गाइस, और काफी कमाल का एंड काफी प्यारा सा पोकेमोन है गाइस। ड्रैगन टाइप पोकेमोन मिल जाएगा आपको, और ये जो ड्रैगन टाइप पोकेमोन है बेसिकली आपको मैं गेम के ऊपर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन सा वाला पोकेमोन है। और ये पोकेमोन को भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये पोकेमोन भी आपको बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, और इन लोगों को पकड़ने में आपको बहुत ज्यादा मीरा बॉल वेस्ट होता है। तो ट्राई करो इन लोगों को भाई निकाल लो इजीली ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला पोकेमोन के बारे में मैं बात कर रहा था गाइस, यही वाला पोकेमोन आपको मिलेगा उन दोनों को मिला के। ओके तो गोलेम एंड उसको मिला के आपको ये वाला पोकेमोन मिलेगा, और ये वाला पोकेमोन आपको एक गेम के ऊपर भी मिलेगा। ये देखो 34 लेवल का पोकेमोन है, बट इसको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है इस पोकेमोन को कैप्चर करने के लिए। तो आप लोग ट्राई करो इसको भाई ब्लीडिंग करके निकाल दो, ये जो काफी कमाल का बॉस पोकेमोन है और काफी ज्यादा क्यूट भी है, और ये बॉस पोकेमोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करो तो हम नेक्स्ट पोकेमोन के बारे में, तो नेक्स्ट पोकेमोन आपको एक कमाल का पोकेमोन दिखाएंगे, और ये पोकेमोन भी आपको आइस सिटी में मिलता है, और आइस सिटी का काफी रेयर पोकेमोन माना जाता है ये भी। तो मैं यूज करने वाला हूँ इसको, और ये भी जो बॉस पोकेमोन होने वाला है हमारा, और एक और ये कौन सा बॉस पोकेमोन है मैं आपको बता भी देता हूँ, ये होने वाला है स्वॉर्ड मास्टर, और इसके साथ होने वाला है गाइस हमारा ये वाला बिजली। तो इन दोनों को मिला के एक पोकेमोन आएगा, यहाँ पे फ्रॉस्ट मून आने वाला है, और फ्रॉस्ट मून जो पोकेमोन है बहुत ही ज्यादा रेयर पोकेमोन है, और फ्रॉस्ट मून को आप ब्लीडिंग करवाते हो किसी पोकेमोन के साथ तो उसके थ्रू भी आपको बहुत ही ज्यादा रेयर रेयर पोकेमोन देने वाले वो लोग। तो गाइस यहाँ पे फ्रॉस्ट मून जो है गाइस ये मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला पोकेमोन है। तो गाइस फ्रॉस्ट मून है बेसिकली ये वाला पोकेमोन, आप लोग देख लो गेम के ऊपर भी आपको ये मिल जाता है, आप लोग कैप्चर भी कर सकते हो इसको, और ये आपको आई सिटी में मिलेगा इस जगह पे, ठीक है, ये वाला लोकेशन पे आपको मिल जाएगा आई सिटी का, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कमाल का फ्रॉस्ट मून पोकेमोन है। तो अभी बात करें तो कुछ नॉर्मल बॉस पोकेमोन को यूज करके आपको हाई लेवल पोकेमोन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मल बॉस पोकेमोन भाई यूज करेंगे हम, नॉर्मल मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल बॉस, जैसे कि हम यूज करेंगे इस वाला बॉस को एंड साथ में यूज करेंगे इस वाला बॉस को, और इन दोनों को यूज करके भी आपको हाई लेवल पोकेमोन निकाल सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों को यूज करने पर आपको कौन सा कैसा हाई लेवल का बॉस आपको आ रहा है गाइस, ठीक है। तो और इन दोनों के बाद गाइस ये वाला जो बीडिंग वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके बाद में जो पोकेमोन अभी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ ना, इन सबको पहले निकाल लो, ठीक है, इन सबको पहले निकाल लेना, उसके बाद आप लोग ट्राई करना नेक्स्ट और कोई बॉस पोकेमोन के साथ, मतलब और कोई पोकेमोन के साथ बीडिंग करवाने का, ठीक है। इन लोगों को सबसे पहले आप लोग निकाल लेना है, मैं जो दिखा रहा हूँ इन सबको निकाल लेना, और आपके पास है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, मैं इन सभी को फिर से और एक हाई लेवल पोकेमोन के साथ बीडिंग करवाऊंगा, ओके। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भाई मैं अभी इस बॉस को लेने वाला हूँ, और ये जो बॉस है ये आपको गेम के ऊपर आपको बती होगा मिल जाता है भाई, इजीली मिल जाता है आपको, ये वाला मिलता है 32 लेवल का बॉस है, और आप लोग इजीली कैप्चर भी कर सकते हो इसको। तो अभी मैं इसके साथ यूज करने वाला हूँ इस वाला बॉस को, और इसके थ्रू मुझे मिलेगा एक इलेक्ट्रिक टाइप फ्लाइंग टाइप पोकेमोन जो मैंने पहले ही आपको दिखा था वो वाला। एंड उसके बाद गाइस हम लोग फिर से एक आपको बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का पोकेमोन दिखाने वाले हैं इस बार,
और उसको यूज करना है बॉस पोकेमॉन, और उसके साथ ये वाला यूज करना है ग्रास टाइप पोकेमॉन। और इन दोनों को यूज करने पे आपको एक इलेक्ट्रिक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन मिलेगा, और ये इतना खतरनाक लेवल का पोकेमॉन है भाई, आपको क्या ही बताऊं मैं। इसको भी आपको एक के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। इसको आप जितना भी मेहनत करो भाई, ये आपको पकड़ने में नहीं माने आने वाला है, क्योंकि गाइस ये इसको भी आपको मैप पे कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक 3% काम करता है, वुड कलेक्ट करने में 2% काम करता है, दिखने में भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, और इसको भी आप इजीली निकल सकते हो। ये देखो मैप पे आपको कोई भी लोकेशन पे ये आपको दिखते नहीं मिलेगा गाइस, मैप पे कोई भी लोकेशन पे नहीं मिलेगा ब्रो ये वाला भी, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, तो इसको भी आप कलेक्शन पे ले सकते हो गाइस। ठीक है, तो अभी बात कर दो गाइस हमारा और एक पोकेमॉन जो आई थिंक आपके लिए अच्छा होने वाला है, और ये पोकेमॉन को पकड़ना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, और इस पोकेमॉन को भी आप निकाल सकते हो, बस आपको इसको लेना है, और इसके साथ गाइस आपको लेना है और एक बॉस पोके मतलब सॉरी और एक नॉर्मल पोकेमॉन को, और इन दोनों को मिला के गाइस आपको मिलने वाला है फायर डांसर। यस गाइस फायर डांसर, भाई फायर डांसर मतलब समझ रहे हो भाई मैं कौन सा पोकेमॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हार्ड पोकेमॉन मतलब आप लोग बोल सकते हो कैप्चर करना इम्पॉसिबल है भाई, वो ज्यादातर पोकेमॉन ज्यादातर प्लेयर मुझे बोलता है भाई फायर डांसर बहुत ज्यादा हार्ड पोकेमॉन है, मेरे को कैप्चर करने में आता ही नहीं है भाई। तो ये रहा फायर डांसर 59 लेवल का बॉस है, और ये आपको बेसिकली यहाँ पे मैप के ऊपर यहाँ तक आपको मिल जाता है। तो फायर डांसर आप कैप्चर करना चाहते हो तो कैप्चर कर लो भाई, देखता हूँ आपका कितना पोकेबॉल वेस्ट होता है, कमेंट करके जरूर बताना। तो फायर डांसर को निकालना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इजी मैट था गाइस, यहाँ पे आपको इन दोनों को बस बिल्डिंग करवा के आपको फायर डांसर मिल जाएगा गाइस, बहुत ज्यादा इजी मैट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हो गाइस हम लोग फिर से इसको यूज करेंगे सेम बॉस, एंड इसके साथ यूज करेंगे ये वाला फायर टाइप पोकेमॉन्स, और एक डार्क टाइप पोकेमॉन आने वाला है, और इस बार का डार्क टाइप जो पोकेमॉन आने वाला ना ये भी कमाल का पोकेमॉन है भाई। हाँ भाई सही मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज्यादा कमाल और बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन माना जाता है। तो मैं इस बार जो पोकेमॉन आपको दिखा रहा हूँ गाइस एक डार्क टाइप पोकेमॉन है, और ये है गाइस ये वाला पोकेमॉन, और इसका एबिलिटी देख के आप हैरान होने वाला हो, 1 2 3 4 5 का 5 एबिलिटी है, 5 यहाँ पे काम करता है, 5 टाइप का वो वर्क कर देता है, मतलब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये पोकेमॉन है गाइस। तो इसको आप जल्दी जल्दी जाके बिडिंग करवा के निकाल लो भाई, बहुत ज्यादा क्यूट एंड बहुत ज्यादा कमाल का, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा प्यारा पोकेमॉन है गाइस, एंड बहुत ही मजेदार पोकेमॉन है ब्रो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे मैंने तो आपको दिखा दिया इसको मतलब ये वाला बॉस तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं और एक लास्ट दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, और मुझे वो गेम के ऊपर भाई कोई भी जगह से क्या भाई मेरे को, मैं आपको बताता हूँ पहले दिखाता हूँ, बट उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मिलाना है। ये देख सकते हो भाई ये वाला ड्रैगन पोकेमॉन है, मैं आपको गेम के ऊपर दिखाता हूँ ये बॉस कहाँ पे मिलता है पहले। तो ये जो पोकेमॉन है गाइस बेसिकली यहाँ पे मिलता है बॉस लेवल पोकेमॉन है, और एक नॉर्मल टाइप जो मैंने लिया था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, छोटा काटा जो नॉर्मल टाइप ये वाला नेचुरल पोकेमॉन ये मिलेगा। तीन दिनों को मिला के जो एक पोकेमॉन आने वाला है इलेक्ट्रिक एंड अर्थ टाइप पोकेमॉन, भाई ये गेम के ऊपर कोई भी जगह पे मेरे को अभी तक नहीं मिला ब्रो, सच में बता रहा हूँ इसके अंदर भी नहीं मिला ब्रो। ये जो इसके अंदर दिखा ना, मैंने दो दो पोकेमॉन के बारे में बता रहा हूँ, ये दो पोकेमॉन मेरे को अभी तक गेम के ऊपर कोई भी जगह पे नहीं मिला, साथ में यहाँ पे जो लिस्ट है ना ये पोकेमॉन का जो लिस्ट है ना इसके अंदर भी इसका नाम नहीं है भाई। तो आप लोग बताओ ये सभी आपके पास है या नहीं है, और इसको नहीं है तो बिडिंग करवाओ भाई, बहुत ही रेयर माना जाता है इन लोगों को जो इसके अंदर नहीं है, मतलब सोच लो भाई गेम के ऊपर वो बहुत ज्यादा रेयर है ब्रो। ठीक है, तो गाइस इन सबको बिडिंग करवाओ, और मेरे को आपको पूछना था मेरे को आपको आप सबसे पूछना था गाइस, आप लोगों से मेरे को पूछना था ये वाला पोकेमॉन भाई कौन सा पोकेमॉन को बीडिंग करवा के आने वाला है, मेरे को कमेंट करके बताओ भाई। जो भी इस पोकेमॉन का सही इन्फॉर्मेशन दे पाएगा ये पोकेमॉन को कैसे आएगा, कौन सा पोकेमॉन के साथ कौन सा पोकेमॉन बीडिंग करके ये पोकेमॉन आएगा, जो मेरे को बोल पाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका वो भी वाला शॉर्ट आउट मारूंगा गाइस, सच में बता रहा हूँ। तो प्लीज मुझे बताओ भाई ये वाला पोकेमॉन कैसे आएगा, मेरे को अभी तक नहीं मालूम भाई ये वाला पोकेमॉन कैसे आएगा, क्योंकि मैंने हाई लेवल पोकेमॉन को अभी ट्राई नहीं किया, फिर भी ट्राई करूंगा तो पता चल जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा हाई लेवल पोकेमॉन को यूज करूंगा, और उसके साथ बॉस भी यूज करूंगा कुछ, जो इस बार बॉस मैंने निकाल के दिखाया कुछ इन सबको भी यूज करूंगा, जो बीडिंग वीडियो पे आपको मतलब दिखाया कौन सा बॉस आएगा कौन सा पोकेमॉन आएगा इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो पे भी कुछ यूज करने वाला हूँ। तो प्लीज गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, मिलते हैं हम लोग और एक न्यू अनदर वीडियो में, और इधर से मेरा कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया भाई आप लोग देख पा रहे हो। तो चलो गाइस हम लोग मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सबको टेक केयर टिल देन एंड गाइस बाय बाय।